हाँ हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? यस सर। अच्छा बताइए, कहाँ तक हम लोग एनालाइज किया था? सर वंडरवॉल रेडियस तक कर दिया। वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस कर लिया था। ओके थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मेटालिक रेडियस। अच्छा बताइए, लिखवा दिया था वंडरवॉल रेडियस नॉन मेटल में, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, नॉबल गैस में भी पाया जाता है, लिखवा दिया था ना आपको? यस सर। बहुत अच्छे आदमी है आप लोग। चलिए मेटालिक रेडियस देखिए, मेटल मैंने कहा था ना, मेटल बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम होते हैं अपने क्रिस्टल लैटिस में, इस तरह मैं इमेजिनरी बना के समझा रहा हूँ आपको। बहुत सारे सोडियम मेटल हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, दिखने में लगता है एक, इन सॉलिड का मतलब होता है मिलियंस ऑफ एटम। तो मान लीजिए ये क्रिस्टल लैटिस है, तो आपके पास R metallic is equal to half D. समझा कि कोई R जैसे, इसलिए इसकी भी डिफिनेशन वही होगी, लिखना शुरू कीजिए। इट इज डिफाइन एज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, half of the internuclear distance between two adjacent metal atom in lattice. क्या सारे लोग? यस सर। जो लेट्स हैं उस स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपके पास नोट है पहला पर, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस में सबसे बड़ी रेडियस होती है वंडरवाल, फिर मेटालिक रेडियस, फिर कोवलेंट। ये ऑर्डर एक तो पूछ सकता है आपसे, पहली बात। दूसरी बात, आपसे रीजनिंग टाइप में भी पूछ सकता है कि भाई वंडरवाल रेडियस इज लार्जर देन कोवलेंट रेडियस, तो सिंपल कहिएगा बिकॉज, मैंने कल भी एक लेक्चर में बताया था, बिकॉज वंडरवाल फोर्स जो होता है वो वीक फोर्स होता है। जब वीक फोर्स होता है, याद है ना कल आपने जो डायग्राम पढ़ा था, देखिए ये डिस्टेंस ए बी है, तो बताइए ये डिस्टेंस यही तो वंडरवाल रेडियस था, बोलिए इसका आधा, बोलिए हाँ या ना, एडजेसेंट मॉलिक्यूल। हेलो हेलो हेलो, वंडरवाल, बिकॉज वंडरवाल फोर्स इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, जब फोर्स वीक होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? कोवेलेंट बॉन्ड, यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बोलिए
बोलिए, समझ में आ रहा है? हेलो, बोलिए, समझ में आया सबको? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। अब आइए, सारे लोग ध्यान दीजिए। आपने पढ़ा है हाँ, एक मिनट, एटॉमिक टॉपिक डालिए, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज एंड पीरियोडिक ट्रेंड। आज कोई आज फेस्टिवल भी तो है आप लोगों का, सांची? यस सर, जन्माष्टमी। यहाँ देखें, एटॉमिक साइज एंड पीरियोडिक ट्रेंड। यहाँ देखें सारे लोग, सबसे पहले पीरियड, देखिए पीरियड आप जानते हैं, और से सुनिए, लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में जाते हैं तो क्या क्या फेनामेना होती है। देखिए देखिए, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, पहली बात। एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, शेल रिमेन सेम होता है, रिमेन सेम। कैसे सर? जैसे देखिए, लिथियम बेरिलियम, 1s² 2s1, 1s² 2s2, देखिए नंबर ऑफ शेल सेम है, नंबर ऑफ शेल सेम है। बट आप देखिए, गौर से सुनिए, जब नंबर ऑफ शेल सेम है, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए पहले पढ़ा दिया गया तो साइज छोटा होगा, इसलिए केमिस्ट्री कहता है पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बहुत तेजी से बढ़ता है। समझ बात आ रही? तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ा, नंबर ऑफ शेल रिमेन्स था, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से दूरी सेम है, प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियस में बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा है तो देखिए और नंबर ऑफ शेल दूरी बढ़ ही नहीं रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना? अरे कोई बोल ही नहीं रहा, बढ़े हो ना, पीरियड में लेफ्ट राइट साइज घटती है, क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। किसी को कोई डाउट है बताइए, कशिश, आयुषी, अर्पित एंड सांची, सबको समझ में आया? यस सर। लिख लिया तो बताइए, हेलो एवरीवन, हैज एवरीवन कंप्लीटेड? दूसरा आइए, हाँ ग्रुप में आइए, फिर अभी क्वेश्चन सब करेंगे, गौर से सुनिए। ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, जैसे लिथियम सोडियम वगैरह, पोटेशियम, टॉप टू बॉटम। फिर देखिए सारे लोग, क्या क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है, और ग्रुप में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, एन, वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज, वैल्यू ऑफ एन का मतलब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है, न्यूक्लियस से दूरी इंक्रीज हो रही है। जब इंक्रीज हो रही है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेकिन तेजी से नहीं बढ़ता। अरे बोलिए, तेजी से, अरे बोलिए ना, तेजी से नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता। हाँ नहीं बढ़ता है, इसीलिए न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब घटता है साइज बढ़ती है। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्लाइटली बढ़ता है, उतना ज्यादा नहीं बढ़ता लेकिन बढ़ता है, तो फोर्स तो इसलिए मैंने लिखा तेजी से नहीं बढ़ता, इसलिए साइज बढ़ता है, इसलिए आप जानते हैं टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताइए। तो लेकिन अगर
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर चाहे वो तेजी से हो या नहीं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो बढ़ेगा। अरे लेकिन नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है ना, यहाँ देखिए ना नंबर ऑफ, अच्छा मैंने ऑर्डर नहीं लिखाया था आपको, 1s और 2s, 1s का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, 2s और 3s जितना न्यूक्लियर से दूर जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना। इसलिए यहाँ पर क्या है ग्रुप में कि नंबर ऑफ शेल रिमेन सेल, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है नंबर ऑफ शेल, नंबर शेल बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है। ओके हेलो एवरीवन, ओके सर, यस नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, वहां क्या था पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम था तो इसलिए बहुत तेजी से, कोई अपोजिशन नहीं था, यहाँ तो अपोजिशन है ना नंबर ऑफ शेल। अरे बोलिए, हेलो, यस सर, थैंक यू, चलिए लिख लिया। हाँ लिख लिया तो बताइए, हाँ या ना। हाँ लिख लिया बताइए, यस सर। अब आइए सारे लोग और से सुनिए आप अच्छे से, पीरियड फर्स्ट में हम साइज का ऑर्डर देखिए सारे लोग, पीरियड फर्स्ट में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम, बताइए लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, बढ़ती है घटती है कि बढ़ती है पीरियड में, बताइए लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ती है कि घटती है, जल्दी बताएं, बढ़ती है। अरे देखिए जब अजीब घटती है, हाँ ये अजीब है ना, चना खाइए, चना कच्चा चना विदाउट मसाला, बिकॉज मसाला कोरोडेड द माइंड, जल्दी बताइए लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, घटती है ना पीरियड में लेफ्ट टू राइट, यस लो। अरे सांची भाग गई क्या, सांची समझ में आया, यस सर, हाँ लेकिन आपने जो आंसर का वो सही है, हीलियम की साइज बड़ी होगी, आपका कंसेप्ट रॉन्ग था, क्यों, अब रीजन गौर से सुनिए, क्योंकि हीलियम में वंडरवाल रेडियस है, कौन सा रेडियस है जल्दी बताएं, वंडरवाल रेडियस, और अभी आपने नहीं पढ़ा वंडरवाल रेडियस इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस, एनी प्रॉब्लम, अरे बोलिए, हेलो हेलो हेलो, स्टूडेंट को कहेगा हाइड्रोजन हीलियम का साइज का ऑर्डर है तो हीलियम की साइज बड़ी है। पीरियड सेकंड में गौर से सुने, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, तो आप लेफ्ट टू राइट साइज घटी, ये रूल यहीं तक चलेगा, यहीं तक नहीं तक, लेफ्ट टू राइट साइज घटी, सही है, साइज घटी, उसमें सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, लिथियम फिर बेरिलियम फिर बोरॉन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन और फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी, लेकिन सबसे बड़ी साइज हम नियॉन को दे देंगे, ये सतर्क रहना है, रीजन क्यों, ड्यू टू वंडरवाल रेडियस, नॉबल गैस में वंडरवाल रेडियस पाया जाता है। अरे सच सच बताएं, गवाही दें, आया समझ में, यस सर, हाँ इसलिए अच्छा एग्जामिनर आपसे पूछेगा, नॉबल गैस सबसे लास्ट नॉबल गैस इज लार्जर इन एटॉमिक साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, तो आप बताएंगे इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या, वंडरवॉल रेडियस इन नॉबल गैस, सच में समझ में आया, सच सच बोलिए, बुक जो लिखता है लेफ्ट टू राइट साइज घटती है नॉबल गैस को छोड़कर, यहाँ तक अप्लाई होगा, फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी होगी, लेफ्ट टू राइट साइज घट रही तो सबसे छोटी, नियॉन की साइज सबसे बड़ी, एनी प्रॉब्लम, अरे बताएं सांची, सूरत नहीं है, आयुषी कशिश सबको समझ में आया, हेलो आर, थैंक यू,
रिटर्न रिटर्न एवरीवन समझ में आया सबको? हाँ बताइए, कोई डाउट है आपको? Yes, sir. It is. Thank you. ये लिखे नोट लिखे सारे लोग. कोई बोल ही नहीं रहे, नहीं लिखा. हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, नहीं लिखा सर. रिटर्न आप देखिए, सारे लोग अच्छे से देखिए. अब हम ट्रेंड इन एटॉमिक साइज इन ग्रुप, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप, ग्रुप में साइज का कैसे. देखिए सबसे पहली बात, पहला एस ब्लॉक. क्या मैंने आपको पहली क्लास में नहीं बताया था, इस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड. सारे लोग बताएं, ग्रुप फर्स्ट को हम फर्स्ट ए भी कहते हैं और अल्कली मेटल भी कहते हैं. गवाही दें सारे लोग. अरे गवाही तो दें. हेलो एवरीवन, ग्रुप सेकंड, ग्रुप तो बोल ही नहीं रहा. ग्रुप फर्स्ट में टॉप टू बॉटम साइज पड़ती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रेंशियम हम नहीं लेते. अगर फ्रेंशियम मिले तो फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, बहुत ही खतरनाक आदमी है. रेडियोएक्टिव की प्रॉपर्टीज बेसिकली पीरियोडिक टेबल में डिस्कशन नहीं की जाती, लेकिन अगर कोई एग्जामिनर दे भी दे तो फ्रैक्शन की साइज सबसे बड़ी होगी लास्ट में, लेकिन सीजियम ही तक पूछता है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, तो रेडियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी. किसी को कोई डाउट? हाँ या ना जल्दी बताए. शेल नंबर ऑफ शेल बढ़ता है इसी वजह से. कोई बोल ही नहीं रहे, आया समझ में? यस सर. थैंक यू. जल्दी लिखें, एक एक को ग्रुप को हम लोग डिस्कशन करेंगे, पूरा पीएचडी करेंगे, यू नो पीएचडी. जल्दी बताइए. बोल
ये लिख लिया। यस सर। आइए, आपको मालूम है पी ब्लॉक में 13 to 18 होता है, मालूम है ना आपको? रूट 13 लिखना नहीं है, रुक जाइए अभी। 14, रूट 15, रूट 16, रूट 17 और रूट 18। रूट 18 पी ब्लॉक में देखिए सारे लोग, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, SnPb। आपको मालूम है ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है, जल्दी बताइए, घटती है ना, सॉरी बढ़ती है, आया ना, जल्दी बताएं सारे लोग। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रही है। मैं एक एक ग्रुप, आप देखो एग्जामिनर को जरूरी ग्रुप 14 दे देगा, कैसे दे देगा बताओ, विच इज लार्जर इन साइज SnPb। आपको सतर्क रहना है, ये मत हल्के में लीजिए, आए सर तो दिखा रहे आपको SnPb, सब सतर्क रहना चाहिए। सेम ग्रुप है तो SN के बाद PB आता है, साइज में करीब ऐसे कोई दो तीन एलिमेंट दे देगा एक ग्रुप का। आप इसलिए एक एक ग्रुप के एलिमेंट पर PhD होनी चाहिए। हाँ, स्टूडेंट को लिखता है अगर आप 14 की साइज लिखो, लिख देता है, लेकिन बीच बीच से पूछता है तो फिर स्टूडेंट फंस जाते हैं। दैट द रीजन, आपको नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, नाना पापा आंसू सब बीमार, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी, बीच में से कोई भी दो साइज दे दे आपको, आपको दे देगा, बताओ फॉस्फोरस है, बिस्मथ है, एंटीमनी है, साइज बताओ। सतर्क रहना, पहले चेक ला रही है ग्रुप 15 है, सेम ग्रुप है तो फास्फोरस के बाद आर्सेनिक आता है, आर्सेनिक के बाद बिस्मथ आता है, टॉप टू बॉटम साइज करो। कोई जरूरी नहीं कि पूरा एलिमेंट ले लो, आपको बच्चे की तरह नहीं लिखेगा ग्रुप 15, आपको खुद से समझना है। क्या मेरी बातें आपको दिमाग में आ रही है? हाँ या ना, हेलो हेलो, अरे बोलो ना यार, सबको मेरी बातें आ रही है, हेलो, इससे टीपो, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी। इसलिए मैं एक एक कोई बहाना ना रहे स्टूडेंट के पास, इसलिए ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी। कोई भी बीच में एलिमेंट ले लेगा, टॉप टू बॉटम कोई बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। ग्रुप 18, ग्रुप 18, ग्रुप 18, ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई यहाँ तक? हाँ आना, जल्दी बता दो। यस सर। आप सतर्क रहें इस पर, तो जितना स्टार पॉइंट डालें कम है, पूरे हिंदुस्तान के स्कूल का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे हिंदुस्तान का और पूरे नीट और जी का, ये आता ही आता है। और आपकी याददाश्त, आपने एटॉमिक साइज में ये तो सब जानता है टॉप टू, अब ये नहीं बोरॉन फैमिली, ग्रुप 13 नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, गौर से सुनिए। बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, जानते हैं बोरॉन के बाद गैलियम आ जाता है, जबकि एल्युमिनियम में आना चाहिए, सर वाई सब बताएंगे। देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोरॉन के बाद एल्युमिनियम को होना चाहिए, लेकिन बोरॉन के बाद क्या आ गया, जल्दी बताइए, बोरॉन के बाद क्या आ गया, बोरॉन के बाद क्या आ गया, गैलियम साइज में, उसके बाद एल्युमिनियम, बोरॉन के बाद एल्युमिनियम की साइज बड़ी होनी चाहिए, नहीं इसलिए पूछेगा why the size of the gallium is smaller than aluminium, bear the reason, this is important, sir aisa kyon hota hai, hum school level mein kya line likhenge wo batayenge, a question arises ki sir isi group mein kyon exception to nahi kehna chahiye, chemistry mein har ka reason hai, science mein sab ka, science mein koi exception nahi hota, sab ka reason hai, hum aapko reason batayenge, ek student rat lete hain bhai aluminium versus gallium, सिलिकन जर्मेनियम में ऐसा क्यों नहीं हुआ, फास्फोरस आर्सेनिक में क्यों नहीं ऐसा हुआ, सल्फर सिलेनियम में क्यों नहीं हुआ, कि गैलियम और एल्युमिनियम में ही ऐसा केस क्यों है, पहले हम स्कूल लेवल लिख पाएंगे कि स्कूल की लैंग्वेज क्या होगी, उसके बाद मैं ऐसा ट्रिक्स दूंगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम में ही ऐसा क्यों है, बाकी ग्रुप में क्यों नहीं है, मैं बताऊंगा। पहले लिखने सारे लोग यहाँ तक, सच सच बताइए समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। थैंक यू।
ये लिख लिया सर, लिख रहा है हाँ हेलो एवरीवन, कुछ तो बोलिए, लिखा? यस सर। सांची सब लोगों ने लिख लिया, आयुषी कशिश सब लोगों ने लिख लिया, अब आइए कि हम इसका रीजन क्या देंगे। देखिए एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम, एकदम माइंड में इमेज बना ले, इतनी दफा पढ़ लें कि ये नहीं कि बाद में अरे ओ शिट भूल गए थे, ये था वो था, नहीं ये गलती किया तो फिर आपने इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। देखिए एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम में गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31, आप जब इसको लिखेंगे तो आर्गन 3d10 4s2 4p1, तो आप ये कहेंगे पहले स्कूल लेवल में क्या लिखेंगे कि होता यह बेसिकली इन गैलियम इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 3d सबशेल। और आप शुरू के दूसरे लेक्चर में तीसरे लेक्चर में नहीं पढ़ा था कि डी की शील्डिंग अफेक्ट पुअर होती है, याद है ये लाइन? अरे बोलिए ना, डी की शील्डिंग अफेक्ट, मैं इसलिए कहा था ये सब लाइन बहुत आएगा, अरे शील्डिंग अफेक्ट ये सही से नहीं बचा पाता है ड्यू टू डिफ्यूज शेप, अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, हेलो एवरीवन, पुअर शील्डिंग अफेक्ट, अरे बोलो ना अर्पित, पुअर शील्डिंग अफेक्ट याद है ना ये लाइन, पुअर शील्डिंग अफेक्ट, हाँ पुअर शील्डिंग अफेक्ट ऑफ 3d सबशेल, 3d इट डज नॉट, ये सही से स्क्रीन नहीं कर पाता, इट डज नॉट स्क्रीन द लास्ट इलेक्ट्रॉन, स्क्रीन द लास्ट इलेक्ट्रॉन मोर अफेक्टिवली, जब मोर अफेक्टिवली नहीं बचा पाएगा जानते हैं क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो साइज डिक्रीज कर जाता है। सर ये फेनोमेना तो इसमें भी होना चाहिए ना, सिलिकॉन में जर्मेनियम में भी 3d10 है, इसमें क्यों नहीं हुआ कि आप गैलियम में हो गया, यही चीज मैं स्टूडेंट को समझ, ये तो आप स्कूल के एग्जाम में एजर्शन में एक स्टेटमेंट लिख देगा कि गैलियम की साइज छोटी है, तो ये स्टेटमेंट सही है एल्युमिनियम से, रीजन में स्टेटमेंट दे देगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग अफेक्ट ऑफ 3d, रीजन भी सही है, तो एक लाइन में आपको दे देगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग अफेक्ट, एजर्शन रीजन का क्वेश्चन आता विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको देंगे, ये हुआ स्कूल लेवल, स्कूल में आपको ये लिखना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की परेशानी ये रहती है, जो परेशान आत्मा की पहचान ये है कि सर ये चीजें सिर्फ 13 में क्यों देखी गई, सिलिकॉन और जर्मेनियम में जर्मेनियम की साइज छोटी क्यों नहीं हुई, सारे ग्रुप में इस तरह की बातें नहीं है, सिर्फ 13 में क्यों है, इसकी हम अब इसका हम आपको एडवांस लेवल पढ़ाने जा रहे हैं, पहले तो आप इसको लिख लीजिए स्कूल में क्या लिखे,
डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, जल्दी बताइए समझ में आया? ये तो हुआ कि बच्चों को बहलाने के लिए है, लॉलीपॉप दे दिया, हाँ हाँ बच्चे भी समझ जाते हैं 3D, लेकिन बेसिकली ये है कि ग्रुप 14, 15, 16 सब में इस तरह की बातें नहीं हो पा रही। निकले सारे लोग? हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। यस सर। कि सर डी ऑर्बिटल की डबल डंबल शेप होती है इसलिए उसके शिलिंग इफेक्ट। नहीं हम नहीं बताएंगे, आई विल डिस्कस, पूरा अच्छे से पढ़ाया जा चुका है, प्लीज डबल डंबल रीजन नहीं था, डिफ्यूज शेप पढ़े, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है साची। ये बात मैंने बोल दिया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग सब पे टॉपिक वाइज अलग अलग टाइम दिया गया है। हाँ समझ रही है ना? हेलो हेलो सुन रही हैं आप? सर आपने अभी बोला इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं हमने पूछा डिफ्यूज शेप दूर है, मैंने कहा था बचाने का दो दो रीजन दिया था, एक तो नजदीक है, पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेगा ये, इसके पूरे तो दूसरे को तो आउटर को बचा लेगा। न्यूक्लियस से डी दूर है, एक तो जब दूर है जब इसके ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई अपने नहीं बचा रहा है तो दूसरे को क्या बचाएगा। और दूसरा मैंने देखा था डिफ्यूजन डबल डंबल है, एरिया बहुत ज्यादा है, ऐसे बना के नहीं समझाया था, बोलिए तो, अरे गवाही दीजिए तो फिर नो कंफ्यूजन, उसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। टीचर जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए साइज घटेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। अब आइए, ये तो हुआ कि स्कूल में क्या लिखेंगे, अब सुनिए असल रीजन समझिए। देखिए ग्रुप 13 में, ग्रुप 14 में लिखना नहीं है, गौर से सुनिए, ग्रुप 15 में, ग्रुप 16 में, ग्रुप 17 में, ग्रुप 18 में, देखिए बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, बाकी को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें मेन तो आपको यही ना कंफ्यूजन, एल्यूमिनियम गैलियम में ऐसा क्यों हुआ, सिलिकॉन जर्मेनियम में क्यों हुआ, बाकी में तो कोई ये नहीं है इसलिए मैं सबको नहीं लिख रहा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्या मेरी बातें सबको सुनाई दे रही है, जल्दी बताइए। गैलियम का एटोमिक नंबर 31, जर्मेनियम का 32, आर्सेनिक का 33, सल्फर का 34, बोरोमीन का 35, आर्गन का 36, लास्ट में 3D10, 4S2, 4P1, यहाँ भी 3D10 है, यही तो क्वेश्चन है स्टूडेंट को कि आप यहाँ 3D की पुअर शील्डिंग इफेक्ट ले रहे हो, यहाँ क्यों नहीं ले रहे हो, यहाँ तो कह रहे हो जर्मेनियम ही की साइज बड़ी है और आप कह रहे हो गैलियम की साइज छोटी है, तो ये नाइंसाफी क्यों है, इस नाइंसाफी का तकाजा क्या है, क्यों इसी में ना इंसाफी है, तो मैं उसको समझा रहा हूँ, क्या आप समझने के लिए तैयार हैं, जल्दी बोले हाँ या ना? हाँ, यहाँ देखें असल इसी पढ़ने के लिए आप कोचिंग ज्वाइन करो, तो हर बुक में लिखा हुआ है पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, लेकिन ये ऐसा कंसेप्ट समझाऊंगा कि आपके माइंड में बहुत अच्छे से आ जाएगा। 4S2, 4P5,
3d10 4s² 4p6। सारे लोग अच्छे से समझिए, बताइए यहाँ 3d सब में है कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ या ना? यस सर। पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो सब में। एक डेली लाइफ का मैं एग्जांपल देता हूँ और अच्छे से सुनिएगा। मान लीजिए एक फटी बनियान है, कोई बनियान समझते ना, बनियान। अरे बोलिए ना, सारे लोग बोलिए हेलो हेलो हेलो। फटी बनियान है या फटा कपड़ा कोई है, ठंड है, ठंड का मौसम है, तो भाई ठंड लगेगी कि नहीं आपको? अगर फटी बनियान हो तो ठंडी हवाएं आपके बदन को ठंड पहुंचाएंगी। अरे बोलिए हाँ जाना, सब लोग बताइए। यस सर। अरे एक ही आदमी यस सर बोलने, बाकी क्यों क्यों चुप है? हाँ बोले वरना खराब पढ़ा दूंगा मैं। यहाँ देखें, जल्दी बताएं हेलो। आप गौर से सुने, तो उस ठंड से बचाने का क्या तरीका है? क्या आप उसके ऊपर कोई शर्ट पहन लें? अगर एक शर्ट पहना तो फटी बनियान कम दिखेगी, बोलिए ना, छिपा छिप जाएगा ना वो। yes, बोलिए ना। फिर तो फिर एक और पहन ले तो और छिप जाएगा, एक और पहन ले और छिप जाएगा। मतलब उस फटी बनियान को पुअर शील्डिंग इफेक्ट मानिए। वही हाल यहाँ है, देखिए लेफ्ट टू राइट जाने में पी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ जाना। yes. हाँ जाना, ये बोलिए जल्दी। हाँ, तो पी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वही समझिए वो पुअर शील्डिंग के ऊपर लेयर चढ़ा रहा है। पी जो है पुअर शील्डिंग को काउंटर बैलेंस कर रहा है। डी की शील्डिंग इफेक्ट तो सब में है, सब में डी की शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट सब में है, लेकिन फटी बनियान के ऊपर पी का लेयर चढ़ रहा है, पी का लेयर चढ़ रहा है। मैंने कहा केमिस्ट्री में साइंस में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। वो अब टीचर नहीं पढ़ाते, सोचते अरे यार 11th के बच्चों को क्या समझाऊं, तो वो नेगलेक्ट करके कह देते हैं एक्सेप्शन रट लें। नो, आप यहां रिसर्च करें कि ग्रुप 13 में ही ऐसा केस क्यों हुआ, 14 15 16 17 में क्यों। तो आप उसका लॉजिक दें कि नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन बढ़ा, शील्डिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया। मतलब न्यूट्रलाइज का मतलब लेयर चढ़े, कपड़ा पहनना है फटी बनियान पर, कपड़ा पहनना है। और जब फटी बनियान पर कपड़ा पहनेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट काउंटर बैलेंस हो गया, इसको कहते हैं शील्डिंग बैलेंस। और जब शील्डिंग बैलेंस हो गया तो इसलिए इन सब में शील्डिंग इफेक्ट पुअर का इफेक्ट हम नहीं देखते, क्योंकि पीक में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, उसके ऊपर लेयर पे लेयर चढ़ा रहा है। शील्डिंग मतलब डी की शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर है तो उसके ऊपर लेयर चढ़ाकर पी इलेक्ट्रॉन तो है, डी के पहले है, तो वो इसलिए शेयर बढ़ाकर उसको घेर ले रहा है, लेयर चढ़ रही है। जब लेयर चढ़ रही है तो डी की शील्डिंग इफेक्ट का डोमिनेंट फैक्टर इसमें नहीं माना जाएगा, इसलिए इसी गैलियम में माना गया, इसलिए गैलियम की साइज छोटी हो गई। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? सच सच बताइए, सच सच बताइए। हेलो हेलो, समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई वो अच्छे से बोलिए ना, अच्छे से आया कि नहीं ये पहले बोलिए। आप सुनिए, क्या आप लॉजिक देंगे? लॉजिक क्या देंगे बताइए? एज द नंबर ऑफ, बताइए नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो बताओ क्या हो रहा है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट काउंट क्या हो रहा है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट बैलेंस हो रहा है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d10 क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइज हो रहा है। न्यूट्रलाइज का मतलब खत्म किया जा रहा है, खत्म। भाई फटी बनियान पर लेयर चल रही है, इसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग बैलेंस। क्या कहते हैं जल्दी बताइए, क्या कहते हैं इसको? शील्डिंग बैलेंस। मतलब हिंदी में बीमारी ठीक हो रही है, और जब बीमारी ठीक हो रही है तो शील्डिंग इफेक्ट हम नहीं मानेंगे। 3D का शील्डिंग इफेक्ट हम यहाँ नहीं मानेंगे, यहाँ पर एज यूजुअल होगा। इसलिए मैं हिंदी उन्दी सब लिख देता हूँ, बीमारी ठीक हो रही है। बीमारी ठीक होने का मतलब फटी बनियान ठीक हो रही है, बीमारी ठीक हो रही है। बोलिए आया समझ में? सच सच बताइए, सच सच बताइए। दिमाग में सेट किया कि एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम में ही क्यों हुआ? समझ में बात आई? हेलो अर्पित, सांची, आयुषी, कशिश, बोले बोले बोले। यस यस, केमिस्ट्री में सबका कंसेप्ट है। तो चलिए जल्दी से इस तरह लिखें, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसको लिखें। स्कूल के एग्जाम में ये पी इलेक्ट्रॉन वगैरह मत लिख दीजिएगा, वरना आप ही को बीमार कर देगा वो। आप वही लिखना है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ बी सबस्ट्रेट की वजह से गैलियम की साइज छोटी हो गई। इतनी दफा पढ़ लें कि ब्रॉन फैमिली में पी ब्लॉक में हर जगह यूजुअल ऑर्डर है, बस एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम में इस तरह का ऑर्डर है। उसका रीजन वही मैंने आपको समझा दिया।
हाँ बोलिए साइंटिस्ट लोग, यहाँ तक लिख लिया जल्दी बताइए। लिख लिया बोलिए। हेलो एवरीवन, यस सर। नहीं लिखा, आगे बढ़े। यस सर। हाँ डी ब्लॉक के साइज का आपको 11th में नहीं पढ़ना, वो 12th में पूरा डी ब्लॉक है। हमें पीरियोडिक टेबल में 11th है, क्योंकि आईटी का एग्जाम 11th को 11th देकर ना होता, 12th के बाद होता है ना आईटी और नीट का एग्जाम, बताइए 11th के बाद होता है 12th के बाद। हाँ इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल में एसएमपी ब्लॉक की साइज के बारे में बताया गया है। डी डी एंड एफ पूरा 12th में, तो वहां उसकी बातें है। अब आइए टॉपिक डालिए आयोनिक रेडियस। ये तो एटॉमिक रेडियस था, आयोनिक रेडियस। सर आयोनिक रेडियस कहाँ मालूम करते हैं? आयोनिक कंपाउंड, कौन आयोनिक कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड NaCl है तो वहां केटान एनायन की बात होती है। अब आयंस दो तरह के होते हैं, एक केटायनिक रेडियस की बात होगी और एक एनायनिक रेडियस की बात होगी। एक केटायन होता है, एक एनायन होता है। पहले लिख लीजिए इस तरह, सारे लोग बताइए। आप देखिए, सारे लोग ध्यान दीजिए। पहला आपको मैं, मेरी आवाज आ रही है सबको? समझ रहे हैं ना सारे लोग, आवाज आ रही है? यस सर। द साइज ऑफ केटायन, गौर से सुनिए, इज ऑलवेज, इसमें भी बहुत जबरदस्त मैट्रिक्स सब दूंगा, पहले तो मैं थोड़ा सा स्कूल लेवल लिखवा देता हूँ कि आप वहां आंसर किस अप्रोच में देंगे। The size of cation is always smaller than
size of orbital smaller than its parent atom. अपने parent atom से एकदम छोटा होता है. मतलब अगर आपके पास cation है और sodium है तो sodium की साइज बड़ी होगी, cation की साइज छोटी होगी. ये चीज मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में भी बता चुका हूँ. रीजन कोई पूछे तो और से बताइए कि सिंस cation इज formed by loss of electron. जब loss of electron होता है उसकी वजह से क्या होता है, और से सुन, number of electron decrease होते हैं but proton number remain same होते हैं. proton number remain same होने की वजह से क्या होता है, और electron घट गया proton वही का वही है तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो साइज घट जाएगा. लॉजिक भी लगाइए, सोडियम 11 है, इसमें 3 शेल है, 2 8 1. Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो 2 8. बताओ यहाँ 3 शेल है या 2 शेल है, तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है कि नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अरे बोलिए, यहाँ 3 शेल है. Yes, sir. इसलिए देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने बताया भी था, इलेक्ट्रॉन नंबर जब भी घटे, समझ जाइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा. इसलिए मैंने कहा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग आप इसको अच्छे से कर लीजिए, वो एकदम स्टार्ट हुआ एंड तक रहेगा. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये की लाइन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग. आप ये नहीं पढ़ा आपको इनऑर्गेनिक में परेशानी होगी, साइज में आयनाइजेशन अभी पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन के सब में आपको प्रॉब्लम होगी. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़े समझ जाइए साइज घटेगा. तो आपको यही रीजन assertion में लिख देगा size of cation atom, तो statement सही है. reason लिख देगा because effective nuclear charge, वो पूरा इस तरह नहीं लिखेगा, ये बच्चे की तरह मैंने लिख दिया effective nuclear charge क्यों बढ़ा, तो सिर्फ यही लाइन लिखा effective nuclear charge. आपको logic भी आना चाहिए और magic भी आना चाहिए, दोनों मिलकर chemistry अच्छी होगी, logic with magic. अरे बोलिए सही नहीं कह रहा हूँ, hello everyone. yes. ये लॉजिक मैं अभी दे रहा हूँ, मैजिक तो बाद में दूंगा, पहले इसको लिखिए. चलिए सांची को समझ में आ रहा है, सांची रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट आ रहा है, थैंक यू. Sir, written. उसी तरह मैं अभी क्वेश्चन सभी कराऊंगा, पहले तो लिख लीजिए द साइज ऑफ एनायन, लिखना शुरू कीजिए सारे लोग, लिखिए ऑलवेज लार्जर देन एनायन की साइज बढ़े, ऑलवेज larger than its parent atom. Logic denge since anion is formed by the gain of electron. जब gain of electron होगा to which किस करेगा, but proton number remains same. effective nuclear charge घट जाएगा, size बढ़ जाएगा.
कैसे क्लोराइड आयन की साइज अपने क्लोरीन से बढ़ती है। हाँ लिख लिया तो बता दीजिएगा मुझे। हाँ लिख लिया बताइए। हाँ अर्पित सांची आयुषी लिख लिया। यस सर। अब सुने, अब मैं पॉइंट सब गौर से सुने, जब भी आपको ये बात याद रखिए, आयनिक साइज जब भी देखना हो याद रखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी का रेशियो, एकदम आराम से इससे सारा आंसर आएगा। Inversely proportional to positive charge, directly proportional to negative charge. उसे भी मैंने बताया था negative charge. Ionic size e by p का ratio ज़्यादा, size ज़्यादा, positive charge ज़्यादा, size कम, negative charge ज़्यादा, size ज़्यादा. ये आप question को solve करने के लिए तरीका याद रखिए। आप तो आपको तो मैं बता ही दिया था कि positive charge जब भी बढ़ेगा उस दिन, आपको मैंने बता दिया था पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत तेजी से बढ़ता है और साइज घटता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है और साइज भी बढ़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए आई I प्लस और I माइनस में साइज का ऑर्डर बताएं, तो ये सबसे बड़ी साइज I माइनस होगी, जल्दी बताएं। यस सर। I माइनस के बाद I होगी, I के बाद I प्लस। अगर आपके पास आयरन है Fe प्लस 2 है, Fe प्लस 3 है, साइज का ऑर्डर पूछा गया तो ऑर्डर ऑफ साइज Fe बड़ा है, फिर Fe प्लस 2 है, फिर Fe प्लस 3 है। ये सब इतने आसान क्वेश्चन सब हैं कि आपको आना चाहिए। अगर आपके पास ऑक्सीजन है O माइनस है, O2 माइनस है, ऑर्डर ऑफ साइज इज इक्वल टू जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्राइड आयन एंड फ्लोराइड आयन, स्टूडेंट को लगता है ये फर्स्ट पीरियड है सेकंड पीरियड है, से नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। E बाई P का रेशियो निकाल लीजिए, 2:1, 10:9, 1 point something. The size order of size H minus की बहुत बड़ी है। लोगों को क्या लगता है ये second period का है, N की value ज़्यादा, this is very very important. अगर H minus और F minus में दे दे तो लोग 99.9% लोग chloride ion की size बड़ी कर देते हैं। वो छोड़ दीजिए even के H minus और Cl minus की भी size कहे, वही E by P के रेशियो, ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, 2:1:2 और यहाँ 18:17, 1 point something, वहाँ पर भी H minus की साइज बहुत बड़ी है Cl minus की साइज। समझ में बात आई? हाँ या ना? हेलो। अच्छा साइज में भी वही सब चलेगा, देखो F minus Cl minus Br minus, इसमें आग बंद कर दिया, टॉप टू बॉटम सेम ग्रुप है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा।
minus, S2 minus, selenium 2 minus, tellurium 2 minus, size bubbles. N3 minus, P3 minus, arsenic 3 minus, size बढ़ेगी. Top to bottom size बढ़ेगी. Ions में भी और atomic radius में भी. Top to bottom size बढ़ेगी. Top to bottom size बढ़ेगी. समझ में आया? Hello, hello, hello. आया समझ में? पहले बताइए ये लिख लिया था, जल्दी बताइए. अर्पित आयुषी बताएं ये लिख लिया था? फिर लिख रहे हैं. हाँ लिखिए लिखिए. ये लिख लिया बोलिए ना. यस सर. हाँ लिख लिया यहाँ पे, जल्दी बताइए. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए बोलिए. सर आपने सर कल की क्लास में सर हमको दो पेजेस छुड़वाए थे सर, वो किस लिए? हाँ वो बताएंगे आपको. एक पेजेस से है ना, एक दोनों तरफ से. हाँ वो बताएंगे अभी आपको. लिख लिया जा रहे लोग? सर ऑक्सीजन वाला एक और बार रिपीट कर दीजिए. ये वाला ऑक्सीजन? यस सर. तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी ना. जेट इफेक्टिव घट जाता है ना, रीजन भी तो ऊपर लिख दिया मैंने. इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना. अरे ये पी बाई ई बाई पी का भी रेशियो देख लीजिए, वही आएगा 10 बाई 8.
का रेशियो ज्यादा है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ जाना। यस सर। ये समझिए, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो साइज बढ़ जाता है, प्रोटॉन जब के सेम है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो फिर साइज घट जाएगी। किया सारे लोगों ने हाँ या ना? यस सर। थैंक यू। हाँ लिख लिया। यस सर। इसी तरह केटायन में भी यही है, Li प्लस से बड़ी है, अगर सेम ग्रुप का दे दिया उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, Rb प्लस Cs प्लस, समझा। इसी तरह बेरिलियम प्लस टू है, Mg प्लस टू है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, चाहे वो आयन हो या एटम हो। एटॉमिक रेडियस में आपको अभी मैंने पढ़ा दिया था, कैल्शियम प्लस टू हो। अब हम नए कंसेप्ट पर आएंगे, पहले लिखिए सारे। हाँ लिख लिया, बताइए सर। चलिए आप देखिए सारे लोग और से सुने, तो ये आपका था एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज पर इतनी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, जो आपको पेजेस आपको मैंने लेफ्ट कराया था वो खोलिए, टॉपिक डाला था ना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बोलिए हाँ या ना। यस सर। उससे पहले पेजेस हमने लेफ्ट कराए थे, हमने पीरियोडिक टेबल में दो टर्म्स पढ़ लिया, ट्रांजिशन मेटल, अपने टॉपिक डालिए रिप्रेजेंट, वो जो मैंने पेज छोड़वाए थे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। शायद आयुषी आप आई थी संडे को, तो
सर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात आपने बोला था छोड़ना। हाँ हाँ तो ठीक है उसी के बाद लिखिए। हाँ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एंड नॉर्मल एलिमेंट। पहला पॉइंट ये है कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। सारे लोग बताइए। इसलिए कहते हैं याद है एस एंड पी ब्लॉक में मैंने आपको समझाया था कि इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट। जैसे एस ब्लॉक में ग्रुप वन, ग्रुप फाइव में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन तो ग्रुप फर्स्ट, पी ब्लॉक में 13 है तो 3 इलेक्ट्रॉन थर्ड ए 4A वही लिखेंगे। क्यों इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं? Because the valence electron of S and P balloons represent group number, इसलिए इसको represent chemistry में कहा जाएगा representative element इसको कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एस एंड क्यों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके ग्रुप नंबर को बताते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया? यस सर। अब आइए चौथा टर्म्स लिखिए। टिपिकल एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट किसको कहते हैं पहले लिखिए फिर समझाएंगे। लिखिए पीरियड थर्ड एलिमेंट्स टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल कहा गया बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप डिपेंड्स अपॉन द एक मिनट properties of typical element represent the properties of other elements ऑफ सेम ग्रुप। मैं मतलब समझा देता हूँ कि किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टी जो होती है ना वो टिपिकल एलिमेंट पर डिपेंड करती है।
इसलिए आप बोलिए। हेलो नहीं लिखा? यस सर रिटर्न। अब सुनिए कैसे, जैसे मैं बता दो पीरियड थर्ड एलिमेंट कौन कौन है। पीरियड थर्ड एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। नॉबल गैस को छोड़कर सर क्यों, तो और सुनिए अच्छे से। जैसे ग्रुप फर्स्ट में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीसा। तो देखिए किसी भी ग्रुप फर्स्ट की प्रॉपर्टी सेकंड मेंबर पर डिपेंड करेगी। सोडियम इसी को टिपिकल एलिमेंट क्यों, उसका रीजन है सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होगी वही अदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगी। किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज फर्स्ट मेंबर पर डिपेंड नहीं करते। क्यों, आप सेकंड बुक में पढ़ेंगे लिथियम के अंदर एनोमलस बिहेवियर होता है। जैसे किसी क्लास में भी टॉपर की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट, उस क्लास की प्रॉपर्टीज टॉपर पर डिपेंड नहीं करेगी। टिपिकल, तो वो टिपिकल एलिमेंट हर ग्रुप का सेकंड मेंबर होगा। देखो ग्रुप सेकंड का सेकंड मेंबर मैग्नीशियम है, 13 का एल्युमिनियम है, 14 का सिलिकॉन। अब जाके आगे पड़ेगा लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, बाकी कोई भी एलिमेंट नाइट्राइड नहीं बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती है अदर एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप, इसलिए फर्स्ट मेंबर को टिपिकल एलिमेंट नहीं कहा गया। किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी सेकंड मेंबर पर, सोडियम पर। सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होगी ऑलमोस्ट तमाम एलिमेंट उसी तरह की प्रॉपर्टीज शो करेगा। इसलिए जब आप सेकंड बुक केमिस्ट्री की पढ़ेंगे तो एक टॉपिक होता है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट क्यों होती है अदर एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप्स। मेरी बात सबको समझ में आई, हाँ या ना जल्दी बताइए। ग्रुप अच्छा बताइए, ग्रुप सेकंड की प्रॉपर्टीज देखना हो तो बेरिलियम पर डिपेंड करेगा कि मैग्नीशियम पर, जल्दी बताइए। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज देख के डिसाइड होगा अदर मेंबर की प्रॉपर्टीज, बेरिलियम को देख के डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि बेरिलियम की साइज इतनी छोटी है कि उसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती है अदर सेम मेंबर। इसीलिए कहा गया कि किसी भी सेक्शन का जो क्लास का जो रिजल्ट देखा जाता है एवरेज स्टूडेंट को देखते हुए कि कैसा बैच है, नॉट कि एक आध दो टॉपर को, टॉपर रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये पीरियड थर्ड को कहा गया टिपिकल एलिमेंट। एनी प्रॉब्लम, सब लोग बताएं जल्दी से, समझ में आया, हाँ या ना जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। अब जैसे देखिए, अब हैलोजन ही में देख लीजिए, क्लोरीन -1 शो करता, आप देखिएगा पढ़िएगा आगे, ये -1 +1 +3 सब, ये भी वही -1 +1 सब, यानी जो क्लोरीन की वही अदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है। क्लोरीन इंटायरली डिफरेंट, तो हर ग्रुप के फर्स्ट मेंबर की प्रॉपर्टीज को कहा जाता है एनोमलस बिहेवियर, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, जल्दी बताएं। तो चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय।